हाय फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम डी टी माल्टी नॉलेज अगर तुम टेन प्लस टू का एग्जाम या टेन का एग्जाम देने के बाद सोच रहे हो गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन कर लो या लाइफ में कुछ दो तीन सालों में एक्साइटिंग एडवेंचर कुछ कर ले तो ये वीडियो सिर्फ तुम्हारे लिए तो चलो बिना किसी देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले बात कर लेते हैं एन यानी नेशनल क्रेडेट कॉर्प्स के बारे में देखो अगर तुम स्कूल या कॉलेज में हो और तुम्हारा उम्र अगर 18 से 26 साल के अंदर हो तो तुम एन ज्वाइन कर सकते हो ये तीन साल का होता है अगर सीनियर डिवीजन में हो तो और जूनियर विंग्स के लिए दो साल का होता है एन सी नॉर्मली तीन टाइप का होता है एक आर्मी एन सी नेवी एन सी एयरफोर्स एन सी सबसे पहले एक बात बता दूँ जो लोग एन सी ज्वाइन करते हैं ये लोगों से कभी कोई चार्ज कभी भी एन सी नहीं लेता है क्योंकि ये एक गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन है तो उस हिसाब से कभी भी अगर पैसा मांगे तो यूनिट पे जाके बात करना चाहिए क्योंकि नॉर्मली यहाँ पे कोई पैसा चार्ज नहीं करता है हो सकता है कि आई कार्ड के लिए कभी कभी पैसा चार्ज किया जाता है वो यूनिट के ऊपर डिपेंड करता है उल्टा गवर्नमेंट ने कैडेट्स को अलग से पैसा देता है जैसे कि कैंप करने में एक पैसा दिया जाता है जिसको टीए कहा जाता है और तुम जो क्लास करते हो हर संडे या सैटरडे भी कभी कभी होता है उसके लिए अलग से पैसा दिया जाता है फिर बहुत सारे फैसिलिटीज़ होता है अगर कोई कंप्लीट सी सर्ट कम्प्लीट करता है तीन साल का कोर्स पूरा कंप्लीट करता है तो उसका जो सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है उसका वैल्यू स्टेट वाइज होता है जिस स्टेट जितना एन को वैल्यू देता है उस हिसाब से उधर का गवर्नमेंट जॉब या जॉब के लिए प्रायोरिटी दिया जाता है स्पेशली जो लोग आर्मी के लिए प्रिपरेशन करता है वो लोगों के लिए तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है एस एस पी में एक कोटा रहता है एनसीसी कैडेट के लिए सिर्फ यही नहीं बहुत सारा एग्ज़ाम में फाइव टू फिफ्टीन परसेंट तक छूट दिया जाता है एन सी सी कैडेट के लिए नेक्स्ट एन एस एस नैशनल सर्विस स्कीम ये भी नॉर्मली जो लोग स्कूल या कॉलेज के बच्चा लोग हैं वो लोग ही ज्वाइन कर सकता है ट्वेंटी सिक्स एज तक ही यहाँ पे आ तुम ज्वाइन कर सकते हो यहाँ पे भी सेम टाइप का ही होता है थोड़ा बहुत अलग होता है एनसीसी से यहाँ पे भी वही पैरेड रहता है वही कैंप रहता है और यहाँ पे भी आर डी एलर्टी होता है सारा फैसिलिटीज़ नॉर्मली वही होता है पर थोड़ा फ़र्क होता है जैसे कि यहाँ पे समाज सेवा पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है और जो एनसीसी होता है वहाँ पे कुछ ज़्यादा ही आर्मी का काम करवाया जाता है एक्टिविटी जो होता है आर्मी का वो लाइफ स्टाइल मेंटेन कराया जाता है इतना हार्ड नहीं होता है एन की तरह इतना मेहनत करना नहीं पड़ता है एन में क्योंकि यहाँ पे इतना ज़्यादा पैरेंट नहीं कराया जाता है इतना ज़्यादा राइफल ड्रील आ, या इतना ज़्यादा वैरायटी का एक्टिविटीज़ नहीं होता है एक नॉर्मल जो बेसिक होता है वो चीज़ यहाँ पे कराया जाता है हाँ यहाँ पे भी सेम चीज़ लागू होता है जैसे कि कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए वो स्टेट वाइज वेरी करता है कुछ परसेंटेज जो गवर्नमेंट का जो तुम एग्ज़ाम दे रहे हो या किसी भी जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो वहाँ पे जब तुम पास करोगे उसका कुछ परसेंटेज एनसीसी या एनएसएस से लिया जाता है वो स्टेट वाइज वेरी करता है नेक्स्ट स्काउट एंड गाइड पहले बता दूँ स्काउट एंड गाइड नॉर्मली कॉलेज में जाते जाते हम लोग का एज खत्म हो जाता है स्काउट एंड गाइड करने का स्काउट uh, लड़का लोगों को कहा जाता है गाइड uh, लड़की लोगों को कहा जाता है uh, इसका जो एज लिमिटेशन होता है वो चौदह से सत्रह तक नॉर्मली ये स्कूल में ही स्काउट एंड गाइड कोई बन सकता है इसके लिए नॉर्मली कोई फीस ऐसे चार्ज तो नहीं किया जाता है अगर कहीं किसी चीज़ के लिए पैसा लिया जाता है तो एक बार यूनिट से जाके बात करके वो पैसा देना चाहिए नॉर्मली जो ट्रेनिंग होता है थोड़ा बहुत गवर्नमेंटल का अनुसार ही होता है थोड़ा पैरेड होता है आ, बेसिक जो लाइफ होता है कैसे एक सिटीज़न को रहना चाहिए ये बेसिक जो चीज़ होता है ये सारा चीज़ होता है और हाँ ये तो मैं बता सकती हूँ काफ़ी लाइफ एक्साइटिंग होता है अगर तुम दिल से करना चाहो तो तो अब तुम चूज करो कौन से चीज तुम्हें एक्साइटेड करता है चलो मिलते अगले